मैंग्रोव्स के जंगलात, वो गलियाँ, उसके अंदर नहरें, उसका मज़ा दोबारा कर दो। मैं आज आपको एक ऐसी जगह दिखाने ले जा रहा हूँ कि जो आप पाकिस्तान में तस्वीर ही नहीं कर सकते। ये आप या नेशनल ज्योग्राफिक में देखेंगे या आप किसी अफ्रीकन मुवालिक का तस्वीर करेंगे। अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आओ इस मैंग्रोव्स के दरख्तों को देखो। आप मैं कभी भूल ही नहीं सकता, मैं स्वाद गया, मरी गया, कश्मीर गया, लेकिन मैंने इतना मज़ा वहाँ नहीं देखा। जैसे ही आप इन होंगे मैंग्रोव्स के दरख्तों में, तो दोनों साइडों पे मैंग्रोव्स के दरख्त, बीच में एक छोटी सी नहर, आप उस व्यू को तस्वीर लेते हैं। दरख्त तो बहुत देखे होंगे लेकिन समंदर में पहली दफा दरख्त देखेंगे आप। अच्छा, जैसे आप इंटर हो जाएंगे, इसकी खूबसूरती तो एक साइड पे, यानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक जुल्म हो रहा है कि यहाँ के जंगलात को काटा जा रहा है बड़ी बेदर्दी से, और हुकूमत इसके सिलसिले में कुछ भी नहीं कर रही, जबकि इसका रकबा बहुत ज़्यादा है, ये ईरान और इंडिया के साहिलों तक जाके मिला हुआ। आपने दो चीज़ों का इम्तिजाज कभी नहीं देखा होगा कि जब कोई समंदरी लहर दरख्तों से टकराती है और उसके क्या व्यूज का। अच्छा, इसकी खूबसूरती तो एक तरफ, लेकिन अगर हम इसकी अफादियत की तरफ जाएं तो मेरे ख्याल से जहाँ पर मैंग्रोव्स के दरख्त लगे होते हैं तो वो तूफ़ानों को रोकते हैं, यहाँ की ग्रीनरी बढ़ाते हैं, और अगर इसको बेदर्दी से ना काटा जाए तो उसके मवेशियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पर नेचर की एक अलग ब्यूटी देखेंगे कि जब समंदर के बीच में और उसके बीच में नहर वाला निज़ाम आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस जंगलात की खूबसूरती आपके तस्वीर से भी ज़्यादा है। जैसे ही आप इस मैंग्रोव की खूबसूरती से निकल जाएंगे तो वहाँ पर आप ओपन सी में दाखिल हो जाएंगे। ओपन सी में सर क्या? ओपन सी में आप दो चीज़ें आपको इनक्रेडिबल नज़र आई, बड़े बड़े जहाज़ जो पोर्ट कासिम की साहिल की तरफ चलते हैं, इसके अलावा आप एक नई फिशिंग टेक्नोलॉजी भी वहाँ देखेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ को नोट करेंगे कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लोग कितनी जतन करते हैं।
किसी से मिले सर वहाँ? यहाँ पर हम एक ऐसे बंदे से आपको मिलाने जा रहे हैं कि जो आप तस्वीर भी नहीं कर सकते वो किस तरह फिशिंग करके अपने बच्चों का पेट पालता है। अब आप ये जुल्म देंगे कि उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, अगर वो अपनी हिम्मत करके तैर के अपनी जान बचा ले तो बचा ले वरना वो डूब जाए। आखिर में गुजारिश है कि जो आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया कम से कम उसको ख़त्म ना किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस दरख्त को भी काटें।